सेकंड चल रहा है एकदम स्ट्रेट सीधा 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 नमस्कार, मैं दीपक यादव और आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ तीन छल्ले तीन चाबियाँ जो और फैमिली कार है, तीनों गाड़ियाँ हैं। और आज मैं इन तीनों गाड़ियों का आप जो है वीडियो में और इंट्रो में देख चुके होंगे, हम गाड़ी को कितने डाउन उतारे हैं और बहुत ही भट्ठे में तीनों गाड़ी को लेकर आया हूँ। और तीनों गाड़ी को भट्ठे में लाकर इसलिए लाया हूँ कि आपको पता चल सके कि कितने भी खराब रास्ते कहीं भी हो, छोटे टायरों की गाड़ियाँ भी वहाँ पर जा सकती हैं अगर आपकी ड्राइविंग स्किल अच्छी है। तो आज हम तीनों का कंपैरिजन वीडियो शूट करेंगे और कंपैरिजन वीडियो में आज मैं यह बताऊंगा आपको कि कौन सी गाड़ी आपको 3 से 4 लाख के बजट में फिट बैठती है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी जरूरत के अनुसार आपको कौन सी गाड़ी इन तीनों में फिट बैठती है। एक आपकी जो है एसयूवी है, एसयूवी में आती है, एक सेडान आती है और एक जो है हैचबैक में आती है। और तीनों का प्रोफाइल मैं डिफाइन करूंगा कि तीनों क्या क्या इंजन है, क्या क्या टायर प्रोफाइल है, कितनी ग्राउंड क्लियरेंस इनका है और क्या एक्सटीरियर है, क्या इंटीरियर है, एवरीथिंग मैं इस वीडियो में आज आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो पर बने रहें, जाइएगा मत, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि हर आदमी की रिक्वायरमेंट होती है कि हम 2 से 3 लाख रुपए में गाड़ी लें। हर लोग सर्च करते रहते हैं, खोजते रहते हैं, तो आपका मैं डाउट क्लियर करने वाला हूं कि आप 2, 3 या 4 लाख में कौन सी गाड़ी आपके लिए सुटेबल होगी, क्या माइलेज होगा, कौन सा इंजन परफेक्ट होगा, डीजल या पेट्रोल, आपकी कितनी रनिंग कॉस्ट है, साल में कितना आप चलते हो, तो मैं पूरा डिफाइन करने वाला हूं। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डू अ सब्सक्राइब चैनल एंड लाइक। और अगर आप किसी गाड़ी का और रिव्यू चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि मुझे इस गाड़ी का रिव्यू चाहिए, तो मैं उस गाड़ी का रिव्यू आपके लिए लाने का प्रयास करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले स्कॉर्पियो से। 2012 मॉडल है, ईएक्स मॉडल है और यह बेस मॉडल है। मैं बता दूं कि यह बेस मॉडल में गाड़ी आती है और इसमें जो है 22 cc का इंजन मिलता है, डीजल इंजन। माइलेज की बात करें तो 15 mpl के माइलेज आपको निकाल देती है। टायर प्रोफाइल जो है 16 cc का इसमें टायर मिलता है आपको। इसको आप एक स्कॉर्पियो के बारे में क्या ही बताना, सब लोग इसको जानते हैं, कहीं भी आप उस खालों में लेके चले जाओ, माइलेज बेस्ट है, गाड़ी परफेक्ट है और इंजन भी पावरफुल इसका है। कितने भी खराब रास्ते हों ये उसको बीट कर देती है, निकाल के देती है। और प्रॉपर 8 सीटर गाड़ी आती है, 7 सीटर में आती है, 8 सीटर में, 9 सीटर, तीनों सीटर में गाड़ी आती है। और मैं बात करूँ इसमें आपको फ्रंट में जो है फॉग लैंप, हैलोजन हेडलैम्प्स, AC, सब कुछ एवरीथिंग आपको इसमें मिल जाता है। तो आपको 12 से 13 मॉडल स्कॉर्पियो चाहिए M2DI में, अगर बढ़िया कंडीशन में गाड़ी है तो 3 से 4 लाख के आसपास में आपको मिल जाएगी बेस्ट कंडीशन में, अगर आपका बजट 3 से 4 लाख। तो अब आइए बात करता हूँ स्विफ्ट डिज़ायर के बारे में। स्विफ्ट डिज़ायर 2012 पेट्रोल वर्जन है, VXI मॉडल है। इन्होंने हमने इसको 3.5 लाख रुपये परचेस किया था। काफ़ी बहुत ही बेहतरीन कार है। अगर मेंटेनेंस खर्चे कम चाहिए आपको, आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, साल में अराउंड 8 से 10 हज़ार किलोमीटर की आपकी रनिंग है, तो आप इस कार को प्रेफर कर सकते हो। सेडान गाड़ी है और एक इसकी मार्केट वैल्यू है, रिसेल वैल्यू भी है और माइलेज भी अच्छा खासा 18 से 20 का निकाल के पेट्रोल में गाड़ी दे देती है। और इसके बूट स्पेस आपको अच्छा खासा इस गाड़ी में मिल जाएगा। टायर प्रोफाइल की बात करें 14 इंच के इसमें रिम टायर्स आते हैं, AC, 4 पावर विंडो, क्लस्टर मीटर जो है एवरीथिंग आपको इसमें निकल के आता है। 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन इसमें आता है, जो है मारुति जो निकाल फीट का इंजन बनाया हुआ है, इसमें काफ़ी रिलायबल इंजन होता है। तो अगर इस गाड़ी को आप लेना चाहते हो, यानी आपको 13-14 मॉडल, आपका बजट 2.5 से 3 लाख रुपये का है, तो बेस्ट मेरे हिसाब से गाड़ी है। अगर आप इसको कभी बेचना भी चाहोगे तो ये गाड़ी आपको आराम से 10-20 हज़ार रुपये तोड़ के आराम से निकल भी जाएगी। 13 डिज़ायर फ्रंट की बात करें तो आपको नॉर्मल हैलोजन मिलता है, साइड में इंडिकेटर्स मिलता है, नीचे फॉग लैंप ऑप्शन मिल जाता है, ये आपको ग्रिल मिलती है। इस साइड की बात करें तो इसमें बहुत ही लंबी सेटेलाइट्स मिलती है और एक कम्पैक्ट इसमें आपको जो है सारा सिस्टम और फीचर्स मिल जाते हैं 3 से 4 लाख के बजट में।
और साइड इंडिकेटर्स भी इस पे जो साइड ओआरपीएम्स भी इसमें इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। और बात करते हैं लास्ट में आते हैं रिड्स पे, तो रिड्स की बात करें तो रिड्स को भाई जो नहीं जानता होगा वही नहीं जानता होगा, जो जानता होगा इसकी पावरफुल गाड़ी क्या है। 1.2 लीटर का डीजल इंजन इसमें है, DDS का वही इंजन जो अर्टिका में आता है, डीजल में जो अर्टिका में आता है आपको ब्रेजा मिलता है, स्विफ्ट डिजायर में आता है, सेम इंजन दिया हुआ है। गाड़ी बहुत ही टॉर्क निकालती है, 90 PS की पावर और 170 Nm का टॉर्क की गाड़ी निकाल देती है। और डीजल में माइलेज की बात करें तो अराउंड 18 से 20 की माइलेज गाड़ी निकाल देती है। और अगर M10 मॉडल है और इस रेंज में आपको गाड़ी चाहिए तो ये गाड़ी आपको आराम से 1.5 से 2 लाख में बेस्ट कंडीशन में गाड़ी मिल जाएगी। अगर आप इसमें 12-13 मॉडल पर जाओगे आप इस गाड़ी पर, मैं बता दूँ तो आपको 2 से 2.5 लाख के बीच में आएगी और बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है, रिलायबल है। और मैं हाइट की बात करूँ तो आप देखोगे हाइट इस डिजायर से भी इसकी हाइट ऊपर है। इसके पास इसमें बूट स्पेस कम मिलता है, इसका इससे जो 50 लीटर इसका बूट स्पेस कम है और इसमें लगभग 6 फीट का भी बंदा बिल्कुल आराम से बैठ सकता है, इसमें बैठ सकता है। बस इसके उसके में अंदर थोड़ी सी आपको जो डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। और दोनों गाड़ी का टायर प्रोफाइल बिल्कुल सेम मिलता है, दोनों का ग्राउंड क्लियरेंस बिल्कुल सेम है, 185 mm का स्कॉर्पियो का ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इस गाड़ी में 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है। आप देख सकते हो मैं कितने ख़राब रास्तों में गाड़ियों को उतार के लाया हूँ, बट तीनों गाड़ी बिल्कुल बहुत ही आराम से आ गई हैं। आप इंट्रो में बिल्कुल देखे होंगे कि कैसे कैसे गाड़ियाँ इंट्रो में उतर रही हैं। फ्रेंड्स ये रहा एक कंपेरिजन बिटवीन मतलब रिव्यू कि आप जो है अगर आपका 1.5 से 2 लाख में बजट हो तो कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट होगी, 2.5 से 3 लाख का बजट हो तो कौन सी गाड़ी बेस्ट होगी और 3 से 4 लाख का बजट हो तो कौन सी गाड़ी बेस्ट होगी। तीनों के अलग अलग फ़ायदे हैं, अलग अलग मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं, आप तीनों को जो डिफाइन कर सकते हो। फ्रेंड्स तो ये रहा एक कम्पैक्ट वीडियो, अगर आपको इंटीरियर की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाएं और तीनों के इंटीरियर वीडियो के लिए रिप्लाई करें और वीडियो को हमारे सब्सक्राइब करें। तो अगर आप कमेंट डालेंगे कि इंटीरियर का वीडियो बनाने के लिए तो मैं जरूर आपके लिए लाऊंगा इंटीरियर की वीडियो। और आप किसी नेक्स्ट गाड़ी की भी अगर वीडियो चाहती है उसके बारे में आप जानना चाहते हो, रिव्यू देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में भी डालें। अगर हमारे चैनल में आप पहली बार हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब चैनल एंड क्लिक द लाइक। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।